दोस्तों वापस एक बार मैं आशीष केलकर आपका किरण जाधव इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और इस वीकली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट सेक्टर्स और कमोडिटीज के ऊपर। दोस्तों अगला जो हफ्ता है वो चार दिन का है क्योंकि मंडे को छुट्टी है और बचे हुए ट्रेडिंग सेशन में कमोडिटीज और सेक्टर्स की तरफ कहाँ कहाँ पर हमारा ध्यान होना चाहिए। शुरू करेंगे दोस्तों सबसे पहले एक बेहतरीन सेक्टर के साथ और वो जो है वो है CPSE इंडेक्स, जिसका स्क्रीन आपके सामने है। दोस्तों ये जो इंडेक्स है इसमें एक बहुत ही बेहतरीन पेनंट पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटा सा कंफर्मेशन मुझे चाहिए, अगर ये इंडेक्स 3940 के ऊपर निकलता है तो CPSE इंडेक्स में जो स्टॉक्स है इसमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। तो इस इंडेक्स की तरफ और उस इंडेक्स में जो स्टॉक्स है उनकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। एक बेहतरीन पैटर्न ब्रेकआउट अगर किसी स्टॉक में मिलता है तो वहां पे आपको एंट्री करके चलना चाहिए। दोस्तों ये जो इंडेक्स है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है और हमेशा हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए पिछले कई हफ्तों से ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, बैलेंस पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ये बुलिश पैटर्न वापस एक बार कंटिन्यू होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन इसके लिए 3960 के ऊपर इसको सस्टेन होना ज़रूरी है तो ये जो रैली वापस एक बार देखने को मिलेगी वो सस्टेनेबल रैली होगी, ऐसा चार्ट इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों दूसरा जो इंडेक्स है जिसकी तरफ मेरा ध्यान है वो है निफ्टी प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक का जो है निफ्टी प्राइवेट बैंक उसका मैं डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे प्राइवेट बैंक में एक रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी, तो इसमें एक अच्छा खासा रैली इस पर्टिकुलर इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो ऊपर की तरफ का जो लेवल है वो ध्यान देना चाहिए और वो लेवल है 23,250। 23,250 के ऊपर अगर ये इंडेक्स निकलता है तो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स जो रहेंगे उसमें रैली मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें कमजोरी एक ही लेवल के नीचे आ सकती है और वो लेवल जो है वो है 22,800। 22,800 के नीचे अगर ये इंडेक्स फिसलता है तो कमजोरी आने की संभावना है। फिलहाल अभी के लिए मुझे लगता है ये जो रेंज है इस रेंज के बीच में ही रहेगा। मेक और ब्रेक लेवल्स मैंने आपको प्राइवेट बैंक के लिए दिए हैं। अगला जो है निफ्टी हेल्थ, पिछले हफ्ते के सेक्टोरियल एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा और वैसे ही बाउंस बैक हमने पिछले चार ट्रेडिंग सेशन में देखा है। दोस्तों ये जो ऊपर का लेवल अभी निकल के आ रहा है अगर ये लेवल तोड़ता है तो यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन का पॉजिटिव ब्रेकआउट इस इंडेक्स में देखने को मिलेगा और वो जो मेक और ब्रेक और ब्रेकआउट लेवल है वो है 9850 के ऊपर। जैसे ही ये इंडेक्स निकलेगा हेल्थ इंडेक्स में जितने सारे स्टॉक्स हैं कहीं ना कहीं आपको एक बेहतरीन मौका या एक या दो या तीन बेहतरीन मौके निवेश करने के लिए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगला जो इंडेक्स मेरे रडार पर है वो है निफ्टी ऑटो। ये पिछले हफ्ते का ट्रेंड लाइन मैंने वैसे की वैसे ही रखा है। हमने वापस एक बार इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की फॉर्मेशन होता हुआ इस इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। 16,000 यहाँ से करीब करीब 180 पॉइंट नीचे 16,000 का लेवल है जो कि ट्रेंड लाइन का भी वैल्यू है। जब तक हम इस 16,000 के लेवल के ऊपर है इसमें कुछ कुछ ऑटो स्टॉक में हमने देखा कि एक फॉल आता हुआ पिछले हफ्ते में देखा है। ये फॉल जो है वो करेक्शन है, इसमें सीधा ऐसा बात नहीं है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। तो मैं मानता हूँ कि जब तक हम ये निफ्टी ऑटो का इंडेक्स 16,000 के ऊपर है ये करेक्टिव मोड है। हाँ, इसके नीचे अगर इंडेक्स फिसलता है तो वापस एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा क्योंकि जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन मिलता है तो वापस एक बार उसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है और उसके बाद फाइनल कन्फर्मेशन मिलता है कि डाउन ट्रेंड चालू होगा या फिर वापस एक बार ये बेयर ट्रैप लेके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। तो 16,000 के ऊपर जब तक है डरने की बात नहीं है, अगर आपके पास ऑटो स्टॉक्स है होल्ड करना चाहिए और इस इंडेक्स की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है FMCG के बारे में। दोस्तों मैंने पिछले हफ्ते में भी बात की थी, मैं हर हफ्ते ये सारे इंडेक्स जो है इनके ऊपर बात करता रहूँगा। मैंने पिछले हफ्ते 52,500 का लेवल दिया था और उस वक्त हम मेरे ख्याल से 51,300 के आसपास थे और मैंने कहा था 52,500 अहम लेवल है, इसके ऊपर निकलने के बाद ही कुछ तो बड़ा रैली इन स्टॉक में देखने को मिलेगा और 52,500 के वहाँ पे टेस्ट करके वो नीचे आया है।
यानी ये जो लेवल है जो हम इस वीकली वीडियो में डिस्कस करते हैं, ये अहम लेवल है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। अगले हफ्ते के लिए सेम 52,500, ये अहम लेवल है। 3-4 बार कंफर्मेशन है कि इसके ऊपर ही बड़ा रैली एफएमसीजी स्टॉक में आता हुआ नजर आएगा। नीचे की तरफ 51,000 अहम लेवल है, इसके नीचे थोड़ा वीकनेस एफएमसीजी स्टॉक में बढ़ता हुआ नजर आएगा। आईटी दोस्तों, निफ्टी आईटी मैंने कुछ कहा था अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में, ये दोनों ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में ड्रॉ की थी और मैंने कहा था कि इसके ऊपर जब तक है तब तक हमें ओवरऑल अप ट्रेंड में रहेंगे और अभी भी हम अप ट्रेंड में ही हैं दोस्तों। ये एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म जो ये वाला लाइन है, ये एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया था, इसके नीचे हम फिसलेंगे तो ये मेजर ट्रेंड लाइन है और उस ट्रेंड लाइन के नज़दीक आते हुए हम नजर आएंगे। दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन का वैल्यू है राउंड फिगर 31,500 है, जब तक हम इसके ऊपर है इसमें भी अप ट्रेंड ही रहेगा, तो हमें जब ये इंडेक्स इसी लेवल के आसपास आएगा तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि उस केस में हमारा आईटी के अंदर जो स्टॉक्स है उनके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो इस इंडेक्स का जो लेवल है 31,500 के आसपास खरीदारी करने के मौके हमें ढूंढने चाहिए, या फिर ट्रांचेस में अभी से बाय करना चालू करना चाहिए। हो सकता है कि लास्ट कैंडल जो है वो एक डोजी या स्पिनिंग टॉप जैसा फॉर्मेशन मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहीं से अगर पिछले हफ्ते का यानी ये जो बड़ी रेड कैंडल है वापस एक बार हम 32,200 के ऊपर निकलते हैं तो तुरंत यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढ लेने चाहिए। निफ्टी इंफ्रा ऑसिलेशन करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। 6,300 मैंने पिछले हफ्ते 6,120 का लेवल दिया था, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला था, क्योंकि मैंने कई हफ्तों पहले मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाए रखने की सलाह दी थी और पिछले हफ्ते में 6,120 का स्टॉप लॉस लेवल दिया था। दोस्तों पिछले हफ्ते का जो लो है वो है 6,127, यानी अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। अगर आपकी पोजीशन है इंफ्रा स्टॉक में तो होल्ड करके चलना चाहिए। हाँ, कुछ जो स्टॉक है उस स्टॉक का भी चार्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए और इंडेक्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उसके हिसाब से अपना पोजीशन कैरी करने की सलाह होगी। अभी अगले हफ्ते के लिए भी 6,120 अहम लेवल रहेगा, ऊपर की तरफ 6,350 के ऊपर जब निकलेगा तो इंफ्रा स्टॉक में और अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। एंड फाइनली निफ्टी मेटल में मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि जस्ट नीचे आके क्लोज हुआ है, डिसाइसिव क्लोज नहीं था, नीचे आके फिर कंसोलिडेट हुआ है और वापस एक बार उसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है। अगले हफ्ते में हमें क्या चेक करना चाहिए, तो अगर ये जो लेवल है ये लेवल ब्रेक होके ऊपर निकलता है तो दिस वॉज अ बेयर ट्रैप, वापस एक बार ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन ये टेस्ट होने के बाद अगर वापस इसने ये जो फॉर्मेशन है इसका लो तोड़ दिया जो कि करीब करीब 6,690 है, 6,690 के नीचे अगर ये इंडेक्स आता है तो मेटल स्टॉक में गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी, तो ये बहुत अहम लेवल रहेगा निफ्टी मेटल इंडेक्स के लिए 6,690। इसके नीचे अगर ये इंडेक्स फिसलता है तो इंडेक्स जो मेटल स्टॉक्स है निकलने की उसमें से निकल जाने की थोड़ी आपको कोशिश कर लेनी चाहिए। यह टेस्टिंग हुआ है बहुत ही बेहतरीन, हमेशा जब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो वापस एक बार उस लेवल को टेस्ट करता है, उसके बाद फाइनल कंफर्मेशन मिलता है दोस्तों, हमेशा याद रखो। एंड फाइनली निफ्टी पीएसयू बैंकिंग, इसके ऊपर मैंने पिछले हफ्ते में डिटेल में आपसे बात किया था, मैंने आपको वीकली वीडियो दिया था, वीकली व्यू दिया था, वीकली चार्ट दिखाया था इस सेक्टर का और मैंने एक लेवल दिया था उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। मैं वापस वो लेवल बोलता हूँ, ये जो लेवल रहेगा इस कंसोलिडेशन का, अगर मैं इस कंसोलिडेशन का पॉइंट देखता हूँ तो 5,280 यानी 5,300,
5300 के ऊपर अगर ये इंडेक्स निकलता है तो वापस सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में एक जान आ जाएगी। अभी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस चल रहा है, एक बड़े रैली के बाद थोड़ा रुका हुआ है। क्यों? हो सकता है स्ट्रेंथ गैदर कर रहा हो। अगर ये स्ट्रेंथ गैदर हो गई और ये इंडेक्स 5300 के ऊपर निकल गया, सॉरी 5300 एंड लेट मी चेक वेरी प्रिसाइजली, ओके 5325 5325 इसके ऊपर अगर ये इंडेक्स निकल गया तो मस्त और एक फ्रेश रैली इस स्टॉक में आते हुए हम देख पाएंगे। तो इन सारे इंडेक्स, इन सारे सेक्टर्स के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। ये वीकली वीडियो आराम से देखो हर एक सेक्टर, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जिस एंगल से हम चार्ट की तरफ देखते हैं वो एंगल भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों अभी बात करते हैं हम लास्ट वाले एक सेक्टर की, और वो सेक्टर है वो है पीएसई, निफ्टी पीएसई। इसमें भी एक पेन एंड पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला है, कंफर्मेशन एक चाहिए छोटा सा, और वो कंफर्मेशन कब मिलेगा? अगर ये इंडेक्स 6065, अभी ये है 5991 पे, यहाँ से करीब करीब 70 पॉइंट्स मुझे और चाहिए फाइनल कंफर्मेशन के लिए। अगर 6065 के ऊपर ये इंडेक्स निकलता है तो सारे पीएसई स्टॉक में मस्त रैली वापस एक बार चालू होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बोलिएगा। क्या और आपके सजेशन्स है वो भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। पिछला हफ्ता और ये हफ्ते दोनों आपने कुछ सजेशन्स दिए हैं, वो सजेशन अगले वीकली वीडियो में मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। ये दोनों वीडियोस आपको बिल्कुल देखना है, और आपके कमेंट्स, ढेर सारे कमेंट्स चाहिए, हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत अहम है, और हम कोशिश करेंगे उस तरह की तरीके से बदलाव लाने की, क्योंकि हम किरण जाधव एंड एसोसिएट ऐसे मानने वाले लोग हैं कि स्टॉक मार्केट ये एक बहुत ही बेहतरीन वेंचर हो सकता है, और इस वेंचर में हम हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पढ़कर समझकर निवेश। थैंक यू सो मच, मिलते हैं वापस अगले हफ्ते।